हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन फॉर क्लास 8। ओके, सबसे पहले क्रॉप की मतलब समझते हैं ना सब लोग। क्रॉप मतलब व्हाट इज द प्लांट ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, क्या हम मतलब एक जो बहुत ही बड़े एरिया में किसी भी चीज़ की फसल लगाई जाती है उसको क्रॉप बोलते हैं। हम एक टमाटर का पौधा लगा लें वो क्या हमारी क्रॉप है? नहीं। तो क्रॉप क्या होगी? बहुत बड़े फील्ड में एक ही चीज़ को बहुत बड़े फील्ड में लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप प्लांट्स। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप और प्रोड्यूस। द क्रॉप प्रोडक्ट मे बी इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। जो हमारी क्रॉप होती है वो कई फॉर्म्स में होती है, ग्रेन्स की फॉर्म में, रूट्स की फॉर्म में, फाइबर्स की फॉर्म में, है ना। वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एज सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। हम क्रॉप में क्या क्या अपनी खेती हम अलग अलग तरीक़ों की खेती करते हैं। कोई फार्मर्स होते हैं वो फ्रूट्स की खेती करते हैं, कुछ फूलों की खेती करते हैं, कुछ फाइबर्स की खेती करते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो उसका क्या हो जाता है? प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, कुछ सीरियल्स की फॉर्म में, कुछ फ्रूट्स की फॉर्म में या वेजिटेबल्स की फॉर्म में। व्हाट इज सीरियल्स? सीरियल्स क्या होता है? देयर आर न्यूट्रिशन सीड्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर मेनली रिच इन स्टार्च एंड फाइबर। ये वो मतलब सीरियल्स मतलब साबुत अनाज है ना। ये ऐसे न्यूट्रिशनल सीड्स होते हैं जो रिच होते हैं किसमें? स्टार्च और फाइबर में। सम ऑफ देम आर सीरियल की कौन कौन से हो सकते हैं? सीरियल्स इसमें आता है ग्रीन, राइस, वीट, बीन्स एक्सेट्रा, है ना। ये सब सीरियल्स हैं। सीरियल्स मतलब साबुत अनाज। ये किससे रिच? इसमें क्या क्या सबसे ज्यादा होता है? स्टार्च और फाइबर रिच फूड होते हैं ये। नंबर सेकेंड इज फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या क्या है? फ्रूट्स तो एप्पल, मैंगो, बनाना, बस बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं ना। फ्रूट इज अ सीड बियरिंग राइपेंड ओवरी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, जैसे एप्पल, मैंगो, चेरीज, है ना, जिसमें कि पके हुए फल जिसके अंदर बीज होते हैं, ऐसे वो फल क्या कहलाते हैं? फ्रूट्स। ठीक है, जैसे कि एप्पल, मैंगो, चेरी बहुत सारे होते हैं। वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या है? वेजिटेबल्स इट इज एनी न्यूट्रिशन प्लांट प्रोडक्ट ईटन एज फूड। ये हमारे प्लांट में से वो हिस्सा हो सकता है जो हम खा सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट की जड़ें खाई जाती हैं, कुछ प्लांट का तने वाला हिस्सा खाया जाता है, कुछ प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट खाया जाता है। तो वेजिटेबल में वो सब सेक्शन था। जैसे कि पालक खाते, पालक क्या है? पालक पत्तियों की फॉर्म में होता है, तो पालक के पौधे का हम वो लीफ पार्ट खाते हैं। इसी तरीके से पोटैटो क्या है? स्टेम है, स्टेम वाला पार्ट खाते हैं। इसी तरीके से अलग अलग पार्ट खाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। प्लांट का अलग अलग न्यूट्रिशनल पोर्शन जो भी हम खा सकते हैं उसको वो वेजिटेबल्स में आता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप हमें पता है हमारे इंडिया में टू टाइप्स ऑफ क्रॉप आर देयर, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो सबसे पहले कौन सा होगा? खरीफ क्रॉप्स। नंबर सेकंड इज रबी क्रॉप, है ना। खरीफ क्रॉप क्या होगा? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन बिटवीन जून एंड अक्टूबर। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो रेनी सीजन में उगती है, इनको जून से अक्टूबर के बीच की जो क्रॉप्स होती है वो खरीफ क्रॉप होती है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन। इनको कब बोया जाता है? बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन। मानसून सीजन जब स्टार्ट होने वाला होता है तब खरीफ क्रॉप को बोया जाता है, जैसे कि जून या जुलाई में। एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून। और उनको कब काटा जाता है? जब मानसून खत्म होने पर होता है, जैसे कि सेप्टेम्बर अक्टूबर में। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? जैसे राइस, मेज, कॉटन एंड ओके। ठीक है, सारी पल्सेस भी हमारी इसी में आती है। पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालें, दालें भी इसी में आती है हमारी। नेक्स्ट इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है? द
द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप. जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होती है उसको रबी क्रॉप बोलते हैं. दे आर ग्रोन बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल से मार्च तक. ये रबी क्रॉप का सीजन कब होता है? अक्टूबर से लेके अप्रैल मार्च तक रहता है, मार्च अप्रैल तक रहता है. रबी क्रॉप आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल. रबी क्रॉप को कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर के करीब बोया जाता है. और कब इसको काटा जाता है? मार्च अप्रैल तक इसकी कटिंग हो जाती है. हमारे इंडिया में इसे पूरे साल खेती होती है. आधे सीजन में खरीफ क्रॉप पहले होती है, उसके बाद रबी क्रॉप की होती है. तो ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? जैसे कि व्हीट, ग्राम, ग्रामी, चना, पीज, मस्टर्ड, एक्सेट्रा. ठीक है, देयर आर मैनी क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. दीज आर, हमारे इंडिया में बहुत सारी क्रॉप्स बोई जाती हैं, जैसे कि सीरियल्स. सीरियल्स में क्या हो गया? राइस, वीट, साबुत अनाज है ना, उसकी खेती होती है. जैसे कि राइस की खेती, वीट की खेती, मेज की खेती, बार्ले की खेती. इसी तरीके से फाइबर क्रॉप की, कुछ किसान फाइबर क्रॉप की खेती करते हैं. फाइबर क्रॉप मतलब जैसे कि जूट, कॉटन, हेम्प, एक्सेट्रा, इनसे जो हमें प्रोडक्शन मिलता है उससे फाइबर का सामान बनता है. जैसे कि जूट के झोले बनते हैं, गद्दे बनते हैं, बहुत सारा सामान बनता है. ऐसे कॉटन से, कॉटन का यूज कपड़ों के लिए किया जाता है. जो फाइबर होता है वो फाइबर की खेती भी करते हैं बहुत सारे किसान. कुछ किसान पल्सेस की खेती करते हैं, पल्सेस मीन्स दालें. कुछ किसान ऑयल सीड्स की खेती करते हैं, जिससे कि ऑयल के सीड्स निकलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सनफ्लावर है ना, इनसे ऑयल, इनको रिफाइंड करके ऑयल बनाया जाता है. इसी तरीके से कुछ किसान रूट क्रॉप की खेती करते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, बीट रूट, कलेशिया, यम, एक्सेट्रा. कुछ किसान ट्यूबर क्रॉप्स की खेती करते हैं, जैसे कि पोटैटो, जिंजर. इसी तरीके से अलग अलग किसान अलग अलग तरीके की कुछ स्पाइसेस की, मसालों की खेती करते हैं, कुछ फ्लावर्स की खेती करते हैं, कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स की करते हैं, है ना. हम लोग डेकोरेटिव प्लांट्स लाते हैं तो वो भी तो कुछ फार्मिंग होती है उनकी भी, तो तभी तो हमको जब मिलते हैं वो एक ही जैसे पौधे सब लगाते हैं और वो उसकी खेती, डेकोरेटिव प्लांट्स की भी खेती की जाती है. तो इस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग किसान अलग अलग तरीके की खेती करते हैं, है ना. ठीक है, अब इस वीडियो में बस यहीं तक. ओके, थैंक यू.